इसकी तस्वीरें साहब राजस्थान पुलिस की वर्दी पर लगती है। ओके, भारतीय डाक टिकट पर आने वाला पहला लोगो यही रहता है 1950 के बाद में। अच्छा जी, राजस्थान बोर्ड का लोगो भी यही है। ओके, साथ ही साथ इंडियन करेंसी पर पहले आने वाला सिंबल ऑफ द टावर ही रहेगा। ठीक है, मेवाड़ का स्तंभ है ये, आन बान शान है। इसके बाहर की सारी कार्य भगवान विष्णु को ही समर्पित प्रतिमाएं इसके बाहर। हाँ जी दोस्तों, ये है जी विजय स्तंभ, जो कि भारतीय इतिहास के अलग अलग जगह पे तुसीं तस्वीर देखियां होणगियां, नोटां ते भी देखियां ते होर भी कई जगह पर तुहानूं सारा कुछ दसदे आ। तो ये जाने कि भारत की जाने कि शान कह सकते हैं। शुरुआत दे विच कित्थे कित्थे आया किवें किवें वो आपां बाई जी दसणगे। हाँ जी बाई जी, सामने जो आप देख रहे हैं सर, इसे विजय स्तंभ टावर कहते हैं। हाँ जी, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। हाँ जी, महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में, हाँ जी, 1433 में भारत देश के दो राज्यों पर विजय प्राप्ति करी। हाँ जी, इसे गुजरात और मालवा कहा जाता है। एक्चुअली मालवा का मतलब होता है मध्य प्रदेश में इंदौर शहर। ओके, गुजरात के किंग थे महमूद खिलजी और मालवा के किंग थे अहमद शाह। दोनों ही मुगल शासक को हराने की खुशी में मेवाड़ की राजधानी पर विजय स्तंभ टावर का निर्माण करवाया गया। ठीक है जी। 1438 में इसका नींव रखा गया और 1448 में बनकर कंप्लीट हो गया। इसे बनवाने के लिए उस जमाने में जो खर्चा आया वो 9 लाख सोने और चांदी की मुद्राओं का आया। ओके, 10 वर्षों के अंतराल में बनकर कंप्लीट हो गया। इसकी लंबाई कितनी होगी? 122 फीट। 122 फीट लंबाई में बात करें तो 37.19 मीटर इसकी हाइट है सर। ओके, और इसका जो दायरा होगा कितना होगा पूरा? इसका दायरा एरिया जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये लगभग 30 फीट के एरिया के अंदर में इसे बनाया गया है। ठीक है। 157 सीढ़ियां इसके टॉप पर जाने के लिए, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए इसे 9 मंजिल का बनाया गया क्योंकि उनके 9 अवतार रहते हैं भगवान विष्णु। तो अभी इसमें ऊपर जा सकते हैं हम? यहाँ बंद किया हुआ COVID-19 के कारण अभी फिलहाल इसे लॉक किया हुआ है। ओके, आने वाले समय में फिर से इसे ओपन करवा दिया जाएगा जिससे आप ऊपर तक चढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 2.5 साल से ये बंद। तो जो भारत के इतिहास में इसकी जो जगह है वो मान्यता बहुत मानी जाती है, वो कहाँ कहाँ तस्वीरें कहाँ कहाँ आई हैं? इसकी तस्वीरें साहब राजस्थान पुलिस की वर्दी पर लगती है। ओके, भारतीय डाक टिकट पर आने वाला पहला लोगो यही रहता है 1950 के बाद में। अच्छा जी, राजस्थान बोर्ड का लोगो भी यही है। ओके, साथ ही साथ इंडियन करेंसी पर पहले आने वाला सिंबल ऑफ द टावर ही रहेगा। ठीक है, मेवाड़ का स्तंभ है ये, आन बान शान है। इसके बाहर की सारी कार्य भगवान विष्णु को ही समर्पित प्रतिमाएं इसके बाहर। ठीक है जी, और जो करेंसी पर भी विजय स्तंभ ही आया शुरुआत में। अच्छा जी, हाँ जी। ये 1947 में नहीं, 1947 के अंदर में देश आजाद हुआ था। हाँ। उसके बाद में सर 26 जनवरी 1950 के अंदर में भारत देश का पहला संविधान लिखा गया। हाँ। उसके बाद में पहली बार इंडियन करेंसी पर विजय स्तंभ टावर आया। ठीक है, आइए सर। ते जदों भी तुसी चित्तौड़गढ़ किला देखना आओगे तो ये भी एक पॉइंट जिहड़ा वा, इस ये वीडियो अपनी अलग ही रहूगी किले तो अलग, क्योंकि इतने पॉइंट ज्यादा है। तो एको वीडियो दे विच आपां सारा कुछ कवर नहीं कर सकते। यही इसका एंट्रेंस गेट है, वो यही इसका एग्जिट गेट रहता है। प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार इसका एक ही रहेगा, जिसे अभी वर्तमान समय में COVID-19 कारण से बंद करवाया गया। तो जब ये खुला होता है तो ऊपर तक जा सकते हैं? बिल्कुल साहब, इसके टॉप फ्लोर तक 90 माले तक आप चढ़ाई कर सकते हैं। 157 सीढ़ियां हैं। 157 सीढ़ी, हाँ वही मैं बात करने लगा था। ठीक है, तुसी जदों कोविड तो बाद तुसी एक बार जरूर आओ इत्थे, तां फिर उदों तुसी घूम सकते हो तो इसनों विच्चों भी देख सकते हो किस तरीके नाल बनाया गया ये। तो बाकी जिहड़ी मीनाकारी आ उहदा तुसी देख ही रहे हो कितनी शानदार आलीशान आ। तो वीडियो देखने लई बहुत धन्यवाद जी।